नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सूरज इंटरव्यू वीडियो। आज हम जानेंगे जो महिंद्रा का जो पुराना सबसे जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी था BS3 XR इंजन, उसमें स्टार्टिंग सर्किट और चार्जिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। कैसे कैसे हमारा वो गाड़ी में स्टार्टिंग सर्किट डायग्राम दिया गया है और कैसे गाड़ी स्टार्ट होता है हमारा, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है सब्सक्राइबर बटन दबाने के बाद उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो से। देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HCV गाड़ी है, जो ब्लेजो गाड़ी आता था पहला जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन XR इंजन इसमें, मतलब कि जिसका ECU जो रहता है ब्लॉक में रहता है और उसमें 3 पिन का जो कनेक्टर रहता है, मैं दिखा रहा हूँ पे इमेज में देख सकते हैं ये वाला जो हमारा है ECU। ठीक है, ये हमारा इसमें कौन कौन सा हमारा सर्किट आराम किसी दिया है वो जानेंगे भी। सबसे पहले हमारा कभी भी गाड़ी में बैटरी रहता है, जो कि 2 बैटरी रहता है इसमें 12-12 वोल्ट का। ठीक है, तो जिसमें से हमारा ये देखिए ये जो लाल रंग का है ये मेन वायर है, ये जो ब्लैक है इधर ये ब्राउन दिख रहा है ये आपका नेगेटिव है। तो ये हमारा जो नेगेटिव है, एक तो चेस या और सेल्फ में टाइट हो गया मोटा वाला वायर जो रहता है सभी को जानते होंगे, और ये जो हमारा एक और रहता है ये हमारा भी चला जाता है सेल्फ में। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दिखेगा 2 और पतला वायर रहता है नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। ठीक है, जो कि हमारा जो पतला वायर रहता है ये एक 30 एम्पीयर फ्यूज रहता है जो कि हमारे बैटरी का पास रहता है, 30 एम्पीयर के बैटरी का फ्यूज रहता है जो कि लाल वायर रहता है, वो वहाँ से फ्यूज होते हुए कहाँ जाता है, ये डायरेक्ट जाता है ECU में। ठीक है, जो कि हमारा ये ब्लॉक पर लगा रहता है जिसमें से कौन सा पिन जाता है 2, 3, 8 और 9, 4 पिन में हमारा आता है पॉजिटिव ECU का मेन वायर, मतलब ECU को ऑन करने के लिए। और उसी के साथ में जो हमारा एक और वायर आता है देख सकते हैं हमारा ये नेगेटिव का आता है ब्राउन कलर का, ये नीचे होते जाता है, ये इसमें भी चलता है 4 पिन में। ठीक है, जिसका पिन नंबर है 5, 6, 8, 10, 11। ठीक है, ECU का ग्राउंड है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिल गया तो ECU आपका ऑन हो जाएगा। यदि कारण हमारा ये फ्यूज कट जाता है तो हमारा ECU का मेन और ग्राउंड नहीं मिलेगा तो हमारा ये टेम्परेचर फुल दिखाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन ECU को करंट दे दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ से जो हमारा एक और वायर गया है रेड कलर का, जो कि 5 mm का है, जो कि हमारा फ्यूज गया है 60 एम्पीयर का, जो कहाँ पर लगा हुआ है नियर अल्टरनेटर, जो हमारा अल्टरनेटर के पास फ्यूज लगा हुआ है 60 एम्पीयर का, उस पर वहाँ पर गया ये 60 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है, मैक्सी फ्यूज जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए फ्यूज से वो कहाँ कहाँ गया है, एक वायर गया है डायरेक्ट आपका इग्निशन रिले के पास, जो कि आपका 30 नंबर पिन में हमेशा जो पॉजिटिव आता है यहीं से आता है आपको। उसके बाद इससे यहाँ एक और गया है फ्यूज के बाद, वो गया है डायरेक्ट ये इधर स्टार्टर रिले के पास 30 एम्पीयर फ्यूज है, 30 है वहाँ पे गया है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ से ज्वाइंट होकर एक और वायर गया है, वो कहाँ गया है देखिए यहाँ से जाते हुए ये 10 एम्पीयर का फ्यूज गया है, बैटरी का जो फ्यूज हमारा 10 एम्पीयर रहता है उसमें वहाँ पर गया है। और वहाँ से फिर कहाँ गया है ये 2 भाग में गया है, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके थोड़ा, तो देखते हैं यहाँ पे ज्वाइंट है, एक यहाँ भी ज्वाइंट है, इसे ज्वाइंटर है जो लाल दे दिख रहा है, ये 10 एम्पीयर फ्यूज होते हुए कहाँ गया है, ये आपका DIS मतलब कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लस्टर, मतलब कि क्लस्टर में गया है। क्लस्टर में आपको 2 करंट चाहिए, पहला तो आपका बैटरी का और दूसरा चाहिए इग्निशन का। तो जो हमारा ये 10 एम्पीयर जब बैटरी इधर से डायरेक्ट आया है फ्यूज होते हुए, ये आपका चला गया क्लस्टर में 10 एम्पीयर फ्यूज होते हुए। ठीक है, उसके बाद एक बैटरी का चला गया जो कि 15 नंबर पिन में गया है, और उसके बाद जो हमारा ये है इग्निशन का करंट आया है, तो वो कहाँ आया है जब इग्निशन रिले हमारा ऑपरेट होगा तब इधर से आता है। ठीक है, अभी दिखा रहा बैटरी कहाँ कहाँ गया, पहले एक तो बैटरी में गया गया है, और उसके साथ में देखिए यहाँ भी ज्वाइंट हुआ है इधर से, ये मल्टी मोड कंट्रोलर होता है जो लाइट हैवी टर्बो जो बटन होता है उसका भी 2 करंट है, ये एक बैटरी का एक तो इग्निशन का, तो बैटरी का चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ से आया है एक इधर से जाते हुए 15 एम्पीयर जो हमारा ABS का ECU है उसके लिए एक तो बैटरी का वायर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टर रिले हुआ, ये हमारा पॉजिटिव पहुँच गया है जो कि हमारा एक फ्यूज से है, ये ऊपर से आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये और जो एक और बैटरी का जो वायर है यहाँ से ज्वाइंट होते हुए कहाँ गया है, डायरेक्ट इग्निशन स्विच है जो चाबी स्विच है वहाँ पे गया है जो कि रेड कलर का वायर है। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा जब भी हम चाबी ऑन कर रहे हैं
तो क्या हो रहा है हमारा, देखिए जैसे चाबी ऑन किए हैं तो हमारा ये जो पहला जो इग्निशन, जैसे हम लोग चाबी घुसाते हैं तो हमारा पंखा जो ब्लोवर रहता है वो चलने लगता है, तो हमारा वो एसीसी करंट रहता है, मतलब एक्सेसरीज करंट, चाबी जैसे ऑन कीजिएगा तुरंत ही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक बार और ऑन कीजिएगा तो हमारा ये यहाँ जो जो पॉजिटिव है यहाँ से हमारा इग्निशन करंट निकलता है, जो कि हमारा जो कलर कोड है इसका इग्निशन का रेड पे येलो, ठीक है, जो कि 1.5 mm का वायर है, 1.5 mm, तो ये जाके चला जाता है इग्निशन रिले का 86 पिन में, ठीक है। और यहाँ पे अर्थिंग दिया रहता है, तो जैसे हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ से इग्निशन का करंट गया और यहाँ अर्थिंग मिला हुआ है, और 86 में हमारा पॉजिटिव मिला तो हमारा रिले ये कोयल रहता है बीच में ये ऑपरेट हुआ, तो हमारा ये 30 नंबर जो बैटरी का जो पहले से पॉजिटिव आया हुआ है 60 mA फ्यूज से, वो यहाँ जो ऐसे जो स्विच निकला हुआ है ये यहाँ सड़ जाता है इसमें, ठीक है, 87 में ये सड़ जाता है, 4 पिन रहता है इसमें, तो 30 और 87 सटने के बाद क्या होता है कि हमारा ये करंट यहाँ से निकलता है, 40 एम्पीयर का फ्यूज दिखेगा, फ्यूज बॉक्स में लिखा हुआ है मैक्सी फ्यूज, ये यहाँ से पिन जाता है और वहाँ से आने के बाद हमारा इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है। एक आता है इग्निशन का फ्यूज रहता है और एक हमारा रहता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, वहाँ जाता है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इग्निशन डायरेक्ट इग्निशन में जाता है, फिर क्लस्टर में जाता है, और यहाँ जो हमारा है इग्निशन का 10 एम्पीयर फ्यूज ये कहाँ कहाँ जाता है, एक आता है हमारा ECU का 40 एम्पीयर पिन में, ECU को इसलिए आता है क्योंकि हमारा ये पता चलता है ECU को कि हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाता है हमारा, ये जाता है मल्टी मोड कंट्रोल का इग्निशन। उसके बाद ये और कहाँ जाता है, ये डायग्नोस्टिक कनेक्टर है जहाँ लैपटॉप लगाते हैं हम लोग, उसका 16 नंबर पिन जाता है, मतलब इसमें हमारा क्या है चाबी ऑन करने पर हमारा जो हमारा जिसका पॉजिटिव आता है, ठीक है, किसी किसी हमारे यहाँ बैटरी डायरेक्ट पॉजिटिव रहता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ABS ECU का भी जो हमारा इधर से गया, देखिए डायरेक्ट मतलब बिना कोई फ्यूज होते हुए ये इधर डायरेक्ट देखिए यहाँ पे चला गया है ABS सप्लाई का, जो ABS ECU हमारा है उसका 5 एम्पीयर में सप्लाई गया है, ठीक है, ये बिना कोई फ्यूज डायरेक्ट ये फ्यूज कटेगा तो इधर भी करंट नहीं आएगा। तो जैसे हम लोग अभी क्रैंकिंग ये इग्निशन का हो गया, बैटरी का हो गया, अब जो थर्ड हमारा है ये हमारा हो गया देखिए स्टार्टिंग का, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एक और वायर बचा हुआ है, यहाँ हमारा बैटरी का वायर हो गया और इग्निशन का, तो एक बार और चाबी जब घुमाते हैं स्टार्टिंग के लिए तो वो क्रैंकिंग से आता है सिग्नल, जो मेन वायर रहता है जो कि ब्लैक कलर का वायर रहेगा, जो 0.75 mm का तार है, और ये कहाँ जाता है डायरेक्ट, ये आता है हमारा ECU में 61 पिन नंबर में, देख सकते हैं यहाँ पे 61 पिन जाता है, तो ECU को पता चलता है कि मुझे क्रैंक करना है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वायर आया, मतलब करंट गया यहाँ पे, तो यहाँ से ECU नेगेटिव और पॉजिटिव भेजता है स्टार्टर रिले में करंट, ठीक है। तो कौन सा पिन भेजता है ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 85 और 86 में भेजता है, जो 86 है ये हमारा पॉजिटिव वायर है और 85 है ये हमारा नेगेटिव वायर है, तो इसमें कहाँ से कहाँ भेजता है देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो देख यहाँ पे जो हमारा गया है ब्लैक वाला, ब्लैक वाला गया है 37 पिन से, और जो हमारा जो ब्लैक पे जो येलो है ये गया हमारा 51 में, 51 है वो नेगेटिव है, यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 51 जो हमारा ये नेगेटिव है, बाकी जो हमारा 86 है ये पॉजिटिव है, तो हमारा इसमें आप साइड से आप नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये ECU ऑपरेट कर रहा है, नेगेटिव पूरी देना है कि नहीं, जब हमारा यहाँ पर क्रैंकिंग का जब चाबी का जब हमारा करंट जाएगा तभी हमारा ये ECU रिले को नेगेटिव पॉजिटिव देगा, तो हमारा ये रिले ऑपरेट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये पहले से जो हमारा यहाँ से बैटरी का जो पॉजिटिव आया हुआ 30 नंबर में, उसके बाद रिले ऑपरेट होने के बाद ये पॉजिटिव हमारा 87 में चला जाएगा और डायरेक्ट ये कहाँ जाएगा, ये स्टार्टर सोलेनोइड में, मतलब कि स्टार्टर सेल्फ के पास जाएगा, ठीक है, स्टार्ट होने के लिए, जो कलर कोड है ब्लैक पे ऑरेंज कलर का, ये हमारा इसका डायग्राम है। बाकी ये हमारा डायग्नोस्टिक कनेक्टर है और इसमें ये क्लस्टर है और ये मल्टी मोड, जिसमें से हमारा कैन मतलब जो कैन वायर होता है कैन हाई और लो, इसका कलर कोड येलो और रेड है, इसमें दिया हुआ है XR में, बाकी हमारा जो ब्लैजो BS3 और BS4 है जो CR इंजन है उसमें ग्रीन येलो का है, इसमें येलो और रेड दिया हुआ है, ये हमारा इसमें इस नंबर पिन में किया है जो 6 और 14 में, और क्लस्टर में किया है हमारा 2 और 1 में, ठीक है, और यहाँ पे भी गया है मल्टी मोड कंट्रोलर है, उसमें भी कैन वायर गया है 1 और 3 में, इस तरफ से ये दिया हुआ है। बाकी यदि कुछ समझने में दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रल स्विच दिया हुआ है, गाड़ी हमारा न्यूट्रल होगा तो ये हमारा ECU बताता है, जैसे कि हमारा गियर बॉक्स में न्यूट्रल स्विच लगा हुआ है, यदि वो हमारा न्यूट्रल हो गया तो ये ECU को बताएगा,
32 पिन में और इधर से हमारा 29 पिन से, ठीक है। ये इधर से जाता है, यदि हमारा न्यूट्रल हुआ तो यहाँ से हमारा सिग्नल वापस बताता है कि हाँ हमारा गाड़ी न्यूट्रल हो चुका है, तभी ये हमारा यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव इश्यू स्टार्टर लुक देगा, ठीक है। क्रैंकिंग भले ही आपका यहाँ पे चाहे भी ऑन हो रहा होगा तो, लेकिन हमारा जब तक न्यूट्रल गाड़ी नहीं होता है तब तक हमारा स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार डायरेक्ट करने पर भी हमारा ये क्या होता है कि ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में वायर रहता है, ज्वाइंट रहता है, न्यूट्रल करने के बाद आपस में कंटिन्यूटी मिल जाता है, तो ये हमारे पास चलता है कि हाँ ये दोनों वायर जुड़ गया है तो गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये था स्टार्टिंग का चार्जिंग सर्किट। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग कुछ ऐसा है डिमांड कि अगला वीडियो मिस्टर से बनाइए तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, ठीक है।